दिन पहले शाम में अचानक वाराणसी का कैंडिडेट समाजवादी पार्टी ने सुरेंद्र पटेल को डिक्लेयर कर दिया, जिसके बाद सत्र पर ही कांग्रेस पार्टी मान गई। वो सब कुछ दिख रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन सवाल यह है कि कई सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम कंसोलिडेशन अगर हो गया बटा नहीं वोट तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। और आपके तो केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं 80+40 बिहार प्लस यूपी 120 समझी यहां दिखाएंगे, कैसे होगा? देखिए जो आप बात कर रही हैं वो बिल्कुल ठीक है। इनके गठबंधन या जो विपक्षी दलों गठबंधन का क्या उद्देश्य, वही है ना कि 20% पक्का है, 20% अपना है और 80 को टुकड़े टुकड़े करना है। तो सारी की सारी जो तथाकथित रणनीति है वो इस मुद्दे पे है, परंतु अक्सर ये रणनीति सफल नहीं होती। एक और कांस्टिट्यूएंसी है जहां 70% मुस्लिम है, रामपुर, और याद करिए बाई इलेक्शन में हम रामपुर जीते। सोचिए अभी शशि शेखर जी जो बातें बोल रहे थे, उस समय एक बिंदु लेता हूं, कुछ सीटों का नाम लिया, साहब हम आजमगढ़ भी जीते और आजम खान का गढ़ भी जीते। ये तब है जिन सीटों पे कहा जाता है कि मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है, जो सपा के लिए सबसे सेफ मानी जाती थी। और पिछले चुनाव में क्या हुआ कि डिब्बल जी भी चुनाव हारी और राहुल जी भी चुनाव हारे। तो यथार्थ ये है कि हम जिस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, हम सबका साथ सबका विकास के साथ चल रहे हैं, और ये टुकड़े का जोड़ जोड़ के जो जिक्सा पजल होती है ना कि ऐसे बना के कुछ हमारा हो जाए, मगर एक यथार्थ बताता हूं। अच्छा ये बताइए पिछले 30 सालों में समाजवादी पार्टी का लोकसभा में सबसे शानदार प्रदर्शन क्या रहा? 2004 में 35 सीटें, गठबंधन के साथ 38 सीटें, गठबंधन के साथ 38 सीटें इनका मैक्सिमम रहा है। अब आइए कांग्रेस का क्या रहा है, 2009 जब सोनिया जी के नेतृत्व में मामला चरम पे था तब इन्होंने 21 या 22 सीटें जीती थी, इनका मैक्सिमम है। अब आप बताइए हमारा मैक्सिमम क्या रहा है पूरे 90 के दशक में, 51, 52, 1998 में 60 सीटें, 2004 में हम बुरा दौर देखे, ये बात सही है। उसके बाद मोदी जी के आने के बाद जो हम लोगों ने उछाल मारी है 73 सीटें और सपा बसपा होने के बाद सीटें, हमारा न्यूनतम वोट देखिए हमारा 90 के दशक में 32-33-34-35% वोट था, फिर हम नीचे गए 23-24% पे गए 2009 में, फिर हम 40 पे आए 49 पे आए। यथार्थ समझिए बहुजन समाज पार्टी का वोट, मैं दशकों से कहता हूं चेक करिए, 1990 के दशक के आज तक लगभग कांस्टेंट रहा है 19-20% के आसपास, उनका वोट डाइवर्ट नहीं हुआ। सपा का कभी आगे जाता है 28-27 इनका मैक्सिमम रहा, इनकी स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी 2012 में 28-29% वोट के साथ बनी। तो भाई वोट और सीट और चुनाव का परिणाम और आपस का घमासान सारी बातों को देख लीजिए तो बिल्कुल स्पष्ट एक चीज नजर आती है कि भाई सपा और कांग्रेस इससे पहले और एक दुआ कर देना चाहता हूं, इन्होंने कहा बड़ा सामाजिक न्याय की बात सपा करती थी, ये दलितों का रिजर्वेशन इन प्रमोशन किसने खत्म किया था, सपा की सरकार ने खत्म किया था ना, ये दलित उत्पीड़न एक्ट के ऊपर डायलूशन किसने किया था, सपा की सरकार ने आके किया था ना। और स्टेट गेस्ट हाउस कांड में जिसमें मायावती जी का बाकायदा कोर्ट में दिया हुआ बयान है कि समाजवादी पार्टी के गुंडे, मेरा शब्द नहीं मेरी जान लेना चाहते थे, और गवर्नर किसका था, कांग्रेस पार्टी का, केंद्र में किसकी सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की, हमारे नेता जान पे खेल के नहीं गए होते स्वर्गीय द्विवेदी तो पता नहीं क्या होता, और जातिवाचक शब्दों से बसपा के दलित विधायकों को लिखित बयान है घसीट घसीट कर अपमानित करके कारों में भर के ले जाया जा रहा था। तो ऐसा नहीं है, सबको सबने देखा है कि पिछले 30 साल का टोटल आधार देख लीजिए, मोदी जी के आने के बाद उधार देख लीजिए। ऐसा है अंजना जी, सुधांशु जी कुछ शब्दों का चयन करते करते कह गए इधर उधर के टुकड़े लोग जोड़ रहे हैं, भाई आप भी कुछ टुकड़े जोड़ लीजिए, क्या हो रहा है आरएलडी के साथ, क्या हो रहा है जेजेपी के साथ, क्या हो रहा है जेडीयू के साथ, क्या हो रहा है एलजेपी के साथ, क्या हो रहा है जेडीएस के साथ, अरे अर्थ कुंभ तो आपने भी जोड़ा है, आप भी तो अपनी कोई सीट वीट शेयरिंग करते हुए दिखाइए, सुनने में आ रहा है बड़ी टक्कर मची हुई है, उस पर भी दो शब्द बोलिए। अंजना जी आपने मुझसे पूछा कि बिहार में जो एक यूनिटी ऑफ जो ऑपोजिशन थी, इंडेक्स ऑफ ऑपोजिशन यूनिटी, उसके तहत जीत हुई, देखिएगा इस बार उत्तर प्रदेश का चुनाव, या मैं किसी कारण से कह रही हूं, उत्तर प्रदेश का चुनाव कोई अकेला किसी खो में रहकर चुनाव नहीं होने जा रहा है, पूरे देश में चुनाव होगा। जिन किसानों को आप नक्सलवादी और आतंकवादी कह रहे हैं, जिन किसानों पर आप ड्रोन से ढूंढ ढूंढ कर आलू आंसू गैस के बम के गोले छोड़ रहे हैं, जिस 7वें किसान की आज शहीदी हुई है वहां पर, जिस 21 साल के शुभकरण सिंह की हरियाणा की पुलिस की बर्बरता से हत्या हो गई, आज मुद्दा यह है, आज मुद्दा यह है कि सत्यपाल मलिक जो यूपी का बेटा है, जब वो खड़ा होकर आपसे सवाल पूछता है तो आप उसका रेड करा देते हैं, आज सवाल यह है कि किसानों को एनएसए के लॉ सेट के अंतर्गत मुकदमा किया जाएगा और उनके घर पे कुर्की के कागज लगाए जाएंगे, ढूंढ ढूंढ कर उनको पीटा जाएगा, बोरियों में भर के उनको हरियाणा की पुलिस ले जाएगी, अंततः तो गतवा ये सारी बातें एक तरफ है, असलियत यह है कि इस देश के जो मुद्दे हैं उनसे ध्यान भाजपा हटाना चाहती है। आप एक नहीं आप 100 बार बूथ मैनेज कर लीजिए, जब जनता बदलाव करना चाहती है तो उखाड़ फेंकती है, याद रखिएगा, और यही होगा इस बार, किसानों के खिलाफ जो आप कर रहे हैं, जो बेरोजगारों के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, और जो देश में लोकतंत्र की आपने तालीमाम मचा दिया है। मैं दो चीजें पर बोलना चाहती हूं, बोलनी जरूरी है, 30 सेकंड में बात में बोलकर खत्म कर लूंगी। आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट कहता है इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो बिल्कुल खराब चीज है, लोकतंत्र के लिए खतरा, उसको खत्म किया जाए। चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में 36 वोट में आपकी सारी असलियत खुलकर सामने आ गई, सबको पता चल गया अनिल मसीह का मसीहा कौन था। असलियत यह भी है कि कल आपकी प्रवक्ता ने, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता ने खुलासा किया कि उनके ऊपर बीजेपी ने कितना प्रेशर बनाया कि आप इंडिया गठबंधन में ना रहिए। आप इन सब चीजों से कुछ लोगों को डरा सकते हैं, कुछ लोगों को धमका सकते हैं, देश की जनता के सामने समय आप मोर्चा लेकर खड़े हैं, कोई भी सरकार किसानों के साथ बर्बरता करके कोई चुनाव नहीं जीत सकती है, यह बात मैं दंगे की चोट पर कहती हूं, और इसके लिए आप मुझे जरूर 2024 के चुनाव के बाद बुलाइएगा और स्टूडियो में लगा लीजिएगा। कोई भी सरकार किसानों के खिलाफ षड्यंत्र रच के नहीं जीत सकती। अमेठी से राहुल गांधी लड़ेंगे या नहीं सुप्रिया जी? खबर आ रही है कि रायबरेली सेफर सीट जो है राहुल गांधी को दी जा सकती है और प्रियंका जी लड़ सकती है अमेठी से, कुछ बताइए। आप तो सोशल प्लेटफॉर्म्स की भी चेयरपर्सन है कांग्रेस पार्टी में। मैं बिल्कुल सोशल प्लेटफॉर्म्स की चेयरपर्सन हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरी यह हैसियत या ये वो है कि मैं उन लोगों से पूछूं आप कहां से लड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि ये नेतृत्व ये खड़गे जी का डिसीजन होगा, ये राहुल जी का डिसीजन होगा, या प्रियंका जी का डिसीजन होगा। कांग्रेस प्रेसिडेंट को राहुल जी को जो ठीक लगेगा वो जरूर करेंगे। मैं एक बात लेकिन आपको वाउच करके कह सकती हूं 20 सेकंड में, जिन 7 दिनों में चंदौली से लेकर वाराणसी और उसके बाद प्रयागराज, प्रतापगढ़, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, कानपुर में जो मैंने देखा वो अभूतपूर्व था और उसके सरकार मिली हुई है और उसके चलते मुझे लगता है बड़ा बदलाव होने वाला है। थोड़ा सा इंतजार करिए शशि जी, लेकिन अगर एक हार्डकोर पॉलिटिशियन के तौर पर राहुल गांधी को तो अमेठी में उनको फाइट बैक तो करना चाहिए, इस बार आपकी क्या राय है बतौर पत्रकार? भारतीय राजनीति बतौर उत्तर प्रदेश का बताता, मुझे लगता है कि राहुल गांधी को वहां से लड़ना चाहिए, उनकी सीट है, उनके पिताजी की सीट रही है और उन्हें वहां जाना चाहिए। अगर कोई उससे पूछे तो मैं तो यही कहूंगा, मुझे कहने में कोई दो राय नहीं, उनको अमेठी से जरूर लड़ना चाहिए और अपना दमखम दिखाना चाहिए। रायबरेली से लड़े तो अब ये उनकी मर्जी है, लेकिन आपने मेरी एक सवाल पूछा, मैंने उसका जवाब दिया, और मेरी इच्छा कोई बारे बारे उससे क्या जवाब जवाब दीजिए। सुप्रिया जी की हर बात कह रही है, जो किसान जिनके खिलाफ है उसको कभी आशीर्वाद नहीं मिले। एक सेकंड सुप्रिया जी, 10 सेकंड मांग रहे हैं, बोलिए बोलिए सुप्रिया, 10 सेकंड, क्योंकि बस 10 सेकंड, क्योंकि आपने अमेठी का नाम ले लिया तो जो अमेठी की सांसद है जो महंगाई और महिलाओं पर चुप हो जाती है, साफ सुन जाता है, राहुल गांधी का नाम सुनते जाती है, अमेठी के दौरे पर थी, उस दौरे में लोगों से बोल रही थी, किसी ने बोला कुछ मिल नहीं रहा, लाभ कहने तुम्हारे सोने के बुंदे, तुम गरीब गांव, दुकानदारों ने कुछ दिक्कत बताई, कहने लगी कैमरे हमारे दिखाएंगे वही जो हम चाहेंगे, किसी और ने कुछ, ऐसे धमकाने से अगर आपको लगता है कि लोग जीत जाएंगे, आप बड़े बड़े मकान बना सकते हैं, दिल बनाना होता है लोगों के घर में, बनाना होता है लोगों के दिल में।
देखिए मुझे इस बात से प्रसन्नता हुई कि सुप्रिया जी ने उत्तर प्रदेश के अलावा सब विषय में बोला। वो दिल्ली चली गई, पंजाब चली गई, आम आदमी पार्टी के बचाव में चली गई, स्वामीनाथन जी पे बात किया। मतलब साफ है कि अब डिबेट में भी उत्तर प्रदेश पर बात करने के हालात बहुत कमजोर हो गए हैं। और मैं कहना चाहता हूं रत्ती भर भी विश्वास होता है इन लोगों में तो ये किसानों से जाकर कहते हैं 100 दिन की बात है, रुक जाओ, हमारी सरकार आने वाली है, हम सब ठीक कर देंगे। पर इनको भी पता है आएगा तो मोदी ही, इसलिए सिर्फ आकर यहां पर बात करनी है। हकीकत इनको भी पूरी तरीके से पता है। अच्छा, जहां तक कमेटी की बात है, इनका निर्णय मानता हूं, इनकी पार्टी का निर्णय, पार्टी का जो भी कांग्रेस वर्किंग कमेटी, इलेक्शन कमेटी होगी वो निर्णय लेगी। मगर हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि गिरते हैं सवाल ही मैदान जंग में, वो क्या करेंगे जो गुटों के बंसले साहब स्मृति ईरानी ने हरा दिया। सोचिए वो अमेठी रायबरेली जो कभी नहीं हारे 1977 के अलावा। मैं अंजना जी बताना चाहता हूं, जो दो पार्टियां मिली हैं अभी, जैसे बात आई कि स्वर्गीय राजीव गांधी जी उनके पिताजी वहां से रहते थे, देखिए दोनों लड़कों ने कहां पहुंचाया अपनी पार्टी को। राजीव गांधी जी 400 की मेजॉरिटी तक लाए थे, राहुल गांधी जी 44 पे ले आए। मुलायम सिंह जी ने 1989 में पार्टी खड़ी की और कितने प्रकार के राजनीतिक कौशल दिखाए, पहले चौधरी अजीत सिंह को झटक के सीएम बने, फिर वीपी सिंह का साथ दिया, फिर वीपी सिंह को झटक के चंद्रशेखर की बात है, काशी राम जी को लिया, फिर काशी राम जी को झटका दिया और अंततः सबको झटकते हुए 2012 में अपने दम पर स्पष्ट बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में सपा के लिए आए, अखिलेश जी को बनाए 57 पे ले आए। तो आप दोनों समझ सकते हैं कि दोनों की क्या क्षमता है, दोनों कुल गौरव कुल कमल दिवाकर ने किस प्रकार का अपना गौरवान्वित किया है। तो मुझे लगता है उसको समझने के लिए उत्तर प्रदेश की जनता, उनकी क्षमता और इतिहास दोनों को समझते हैं।